तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं हम अपने सिस्टम का सीरियल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर के अलावा कुछ बेसिक डिटेल है वो भी कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ कमांड्स बताऊंगा या आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, तो कमांड ज़्यादा इजी रहेगी तो मैं इसलिए कमांड के थ्रू बताऊँगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे रन कमांड पर जाना है। रन कमांड में जाने के बाद हमें CMD टाइप करना है। तो पहले हम अपने सिस्टम का अपना सीरियल नंबर चेक करेंगे कि वो सीरियल नंबर कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है WMIS BIOS गेट सीरियल नंबर। तो WMIS BIOS BIOS गेट सीरियल नंबर, तो ये आ गया हमारे सिस्टम का सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा सिस्टम कंपनी का है जैसे लिनोवो, डेल, HP या फिर कोई कंपनी का है, तो यह हमारा सीरियल नंबर दिखाएगा। अगर यही सिस्टम हमारा असेंबल्ड है जैसे आईबॉल का हो गया, तो असेंबल्ड है तो वहाँ पे यह NA दिखाएगा, तो वहाँ पे यह सीरियल नंबर नहीं दिखाएगा। तो अभी क्या है, ये हमारे सिस्टम का सीरियल नंबर हो गया। ऐसे ही हमें अपने सिस्टम का अगर मॉडल नंबर चेक करना है तो उसके लिए कमांड आएगी आपकी WMIS CS प्रोडक्ट गेट नेम। तो ये जो है हमारे सिस्टम का मॉडल नंबर हो गया। तो ये हमारे सिस्टम चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो उसका ये मॉडल नंबर हो गया। तो ऐसे ही हमें अगर सिस्टम की प्रॉपर डिटेल लेनी है तो उसके लिए एक कमांड आती है MS Info 32। तो जैसे कि नाम में ही है इन्फो इन्फॉर्मेशंस, तो ये क्या है, ये हमारे सिस्टम की प्रॉपर डिटेल बता देगा। तो डिटेल पे हमारा ये आपका OS वर्जन दिखा देगा, OS वर्जन के अलावा सिस्टम नेम दिखा देगा, सिस्टम नेम के अलावा हमारी कितनी मेमोरी है ये दिखा देगा। अगर हमें अपने सिस्टम का ये प्रोसेसर दिखा देगा, अगर हमें इसका तो हार्ड डिस्क भी चेक करनी है तो उसके लिए हमें अपने टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में ये हमारे सिस्टम का प्रोसेसर दिखा देगा, जैसे इंटेल कोर का i3 है, मेमोरी हमारी कितनी 8 GB है, डिस्क कितनी है, SSD 250 GB है और हार्ड डिस्क 1 TB है। तो ये हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर रहा है। तो इसके साथ साथ अगर जैसे हमें अपना सिस्टम कॉन्फ़िग करना है, जैसे नाम में ही है कॉन्फ़िगर, तो इसके लिए कमांड आएगी MS config। तो ये क्या है, ये हमारे सिस्टम को कैसे, मतलब जैसे हमारा कभी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं उसकी वजह से, और ये बूट है, इसमें क्या होता है, हम जैसे सिस्टम को सेफ़ मोड में कराना है, सेफ़ मोड में बूट कराना है। सेफ़ मोड में ऐसा होता है जैसे हमको सेफ़ मोड में सिस्टम चेक करने के लिए सेफ़ मोड में रन कराते हैं, जिसमें हमारा सिस्टम के सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, एंटीवायरस काम नहीं करता है, कोई ड्राइवर, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कोई ड्राइवर वहाँ पर सब डिसेबल हो जाते हैं। तो ये सेफ मोड बोर्ड वहाँ से कराते हैं। सर्विसेज है, हमें सर्विसेज सारी बंद करानी है, डिसेबल करनी है, हाइड करनी है, तो हम उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो इससे हमारा सिस्टम जो है कॉन्फ़िग हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे सिस्टम की डिटेल चेक करने की कुछ कमांड है कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।